सिट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप चौधरी यूपीपी। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आपके यूपी पुलिस का एग्जाम भी जल्द आने वाला है, तो उसकी तैयारी में आप बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो आज के व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। मैं जा रहा हूँ पलवल किसी प्रोग्राम में। प्रोग्राम क्या, एक डांस कंपटीशन है जिसमें भाई ने मुझे बुलाया था, बहुत पहले बोल रखा था, तो मैंने बोला भाई मैं ज़रूर आऊँगा, मेरे पास टाइम मिला दो। तो बाई चांस मुझे टाइम मिल गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। 2 बजे का टाइम था लेकिन ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, लेकिन आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। मेरे साथ जाएगा एक लड़का है अनमोल चौधरी, वो भी अच्छा डांस करता है, और राहुल, ये दोनों मेरे साथ जाएंगे। देखते हैं वहाँ पे कितने लोग आते हैं और क्या कंपटीशन होता है। मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं इसी जगह जा रहा हूँ, और जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं वहीं पर जाकर शेयर करूँगा आपसे। और ये जो लोकेशन है पलवल में है, आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए पहले तो। सभी जय श्री राम, जय जय। ये मेरा लुक है आज का, ब्लैक लोवर है और ये हाफ जैकेट टाइप की है, या फिर शर्ट ला लो, हाफ शर्ट। बड़ा मतलब डर सा लगता है ना स्टेज पे बोलने से। पहले प्रमोद भाई जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने एक सम्मेलन स्टार्ट किया था पलवल शहर के अंदर। पहले इंसान थे जिन्होंने इस टाइप की सोच रखी और वहाँ मुझे बुलाया और एकदम से खड़ा कर दिया कि आपको कुछ बोलना है। तो फिर भी कुछ ना कुछ बोल ही लिया मैं। ओ भाई साहब, किसी का एक्सीडेंट हो गया यार यहाँ पे। सिट। आई होप कुछ बुरा नहीं हुआ, शायद कुछ बुरा नहीं हुआ। चलो बहुत बढ़िया। व्लॉग नहीं मिल रहे ना आपको डेली, कैसे बनाऊं भाई, कैसे बनाऊं? कोई नहीं यार, देख लिया करो जब भी मिले आपको। वीक में एक दो तो मिलेंगे है ना। और हाँ, रील या शॉर्ट वगैरह आपको डेली मिल जाया करेंगे। थोड़ा यार इतना प्यार करते हो तो फिर वेट भी कर लिया करो, थोड़ा औरों से हटके हो ना थोड़ा सा। मतलब वैसे नहीं कि घमंड में नहीं कह रहा, औरों से हटके हो कि ज़्यादातर व्लॉगर्स जो होते हैं वो व्लॉगिंग ही करते हैं। मैं थोड़ा जॉब के साथ व्लॉग करता हूँ ना तो हार्ड हो जाता है, इस वजह से कह रहा हूँ औरों से हटके। ठीक है, वहाँ जाके मिलते हैं आपको, बाय बाय। लो भाई, जिसके बारे में बात कर रहा था अनमोल, हमारे साथ चलेगा, वो आ गया है। भाई अनमोल भाई बोलता है, अपनी आईडी बताते हैं इंस्टाग्राम की, ऑफिशियल अनमोल 077। अगर अनमोल का डांस देखना है तो भाई इस आईडी पर जाकर देख सकते हो आप। और इसका भी एक गाना रेडी करके लाया है अपना, कौन सा गाना? कजरारे। कजरारे पे करके दिखाएगा वहाँ। और देखो मैं नंबर दूंगा इसको, पूरा पूरा दे दूंगा मैं। जो विनिंग प्राइज होगा आप हो जाए। बिल्कुल। यार मुझे डांस की डीवी नहीं आती, बस मुझे अच्छा लगेगा तो ठीक है। अब मिलेगा हमें राहुल होटल में जाके। ले भाई बुरी थूत को आएगा। डबल बुरी थूत वाले खेल। अनमोल कह रहा लगा ना ना जज की खेल। तू क्यों जा रहा भैया, ठेकेदार का काम हो भैया, तू लेगा जबरदस्ती। भाई हम 20 मिनट पहले पहुंच गए, इस खुशी में राहुल में जूस खिला रहा है। 60 रुपए खर्च नहीं होंगे तो बेईमान, कैसा ठेकेदार है, कैसा देखो चुप फेंको साइड। अरे ना मैं और गरम में किया। चल तू एनन मोड़ पे बात कर। ले हमारे मालिक को फोन आएगा, रुक जा। और भैया मेरे पे आ रहा हूं ना जूस, और गन्ना का पिलाएगा तो बस है। अरे भाई मैंने तो तुझे कही आम फाम को काई को पीते जा के। मैं कह रहा हूं बजट फ्रेंडली है। अजय बजट फ्रेंडली का आया मैं, तू पी ले चक्के पी है। भाई इन्होंने 1 बजे का टाइम डाला, हम अपने आदत से 2 बजे आए, इन्होंने 4 बजे। चलो हाथ ला दी, हाथ लाने की है। बहुत अच्छा काम करते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज।
इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। तो आप क्या कहना चाहोगे इन लोगों के लिए? वर्दी का पहनने का ढंग भी तो कैप देखी थी अच्छी लगाई है। हाँ हाँ मैंने इनसे बनाई थी। अब है हमारे अनमोल चौधरी की बारी, देखते हैं भाई क्या करते हैं। अनमोल मथुरा, अनमोल सर, लेट्स गो। राहुल का बचपन दिखाऊं तो मैं ठीक है भाई, हमारा टाइम होगा जाने का। बाकी भाई ने शुरुआत की है पलवल में ऐसा प्रोग्राम करने की, भाई ऐसे करते रहो और मेरी तरफ से जो था ना मतलब ठीक है भाई, ओके बाय, ठीक है आ जाओ भाई। तो भाई निकल लिया हमारे संदीप ने मारे तगड़ तगड़ ठुमके भाई सब, मैं मुजरा कर दी स्वांग कर रहे स्वांग। मैं ना एक लड़की ही बेचारी, उसने बढ़िया डांस करा जो हरियाणवी कल्चर में डांस किया ना, उसमें हरियाणवी कपड़े पहन के, तो मैंने उसे रुपए दिए अपनी तरफ से। बता क्या कर रहे हो? सुनो तो सही। अच्छा। मैंने बोला मैंने क्लिप बना लेना क्योंकि यार हम थोड़े ना इंट्रोवर्ट है, हमें स्टेज वगैरह पे जाने में थोड़ी शर्म सी आती है। कैसे कैसे तो मैं गया, एक कैसे कैसे मैं गया, फिर इन्होंने वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद मैंने एक और मौका बनाया कि मैं पंकज है जो जिसने ये प्रोग्राम सेट किया है, मैं बोलूँगा भाई अब ये डांस करेगा, उसकी भी क्लिप नहीं बनाई निकम्बो ने, बस फ्रूटी रखी थी सामने दोनों का उस पर ध्यान दे। पकड़ाई किसने थी? चुपचाप कान में कह रहे भैया फ्रूटी पकड़ा दे रेड है जाए पंकज में भैया के तब रावण जब भी अटैक होती पीओ राहुल भैया के तब रावण रहे हमारे पे भाई भैया अरे अब भी पेट से अपराध बन रहा है यार, क्या करे ये सीधा खोल के ठीक है बात बन जाएगी। इन्हें होटल घेरेंगे और हम निकलेंगे सीधा मथुरा, दो जने मात्र दो जने। ठीक है जी, ठीक है जी, राम राम श्याम श्याम। मैं राजा लिखना चाहूं तो मैं मेरी रानी लिख दूं।
भाई पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ एक ट्रेंड चल रहा है गाने पे, हर कोई राजा रानी बन रहा है यार, कोई हमें सेनापति बना लो ये ठीक है बाप। राहुल को उतार दिया, अनमोल को उतार दिया और शाम हो गई, हम चले अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और अभी जाके आपको ज्योति से मिलाता हूँ। और आज था आपके वहाँ क्या था वो सीरावासा होता है ना, जिस इस दिन क्या होता है कि आप सुबह कुछ भी नहीं बनाओगे, मतलब चूल्हा नहीं चलाओगे। मॉर्निंग में मैंने कुछ खाया तो वो ऑलरेडी कल शाम को बन गया था। तो चावल होते हैं, वो चावल पहले ही बना लिए जाते हैं और दही, चावल दही और बूरा मिलाकर वो खाते हैं। तो आज मैंने सुबह से वो ही खाया है। तो किस किस के वहाँ ये होता है और क्या क्या बोलते हैं आपके वहाँ? हमारे वहाँ पलवल में बोलते हैं सीरावासा, या फिर पलवल की लैंग्वेज में बोलूँ तो सीरावासो। वो मैंने खाया था सुबह से और अब भूख लग रही है, शाम हो गई है और अब चूल्हा चला सकते हैं शाम के टाइम। अब सीधा आपको रूम पे जाके मिलता हूँ, ज्योति से मिलाता हूँ। हाँ जी, मैं आ गया रूम पे और भाई बहुत तेज भूख लग रही थी, आते ही खाना मैंने बैठ दिया, मौज आ गई। थैंक यू ज्योति, और यूनिफॉर्म रेडी, और चटनी और बढ़िया लौकी की सब्जी और दही और रोटी। ओ भाई क्या हवा चल रही है, मज़ा आ गया पूरे दिन की थकान। हाँ जी, थैंक यू सो मच यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए। आपको व्लॉग ऐसे ही वीक में एक या दो मिलते रहेंगे। जो लास्ट व्लॉग है उसकी कमेंट ऑफ हो गई है ऑटोमेटिक, क्या ऐसा कुछ रूल है, एल्गोरिथम है यूट्यूब का, अगर तुम अपने व्लॉग में ज़्यादा बच्चों को लेते हो तो ऑलरेडी वो कमेंट अपने आप बंद कर देते हैं। तो शायद इसमें भी कमेंट ऑफ हो जाएँ क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे थे। और अगर नहीं हो तो आप पिछले वाले व्लॉग की भी कमेंट करना और इस व्लॉग की भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।